वेलकम टू स्टडी IQ. क्यू आई एम अमित वारी द किलोर एंड दिस इज द कोड विच यू यूजअली यूज टू टेक एडमिशन इन टू दी आई क्यू यू पी सिविल लाइफ फाउंडेशन प्रोग्राम अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू want a comprehensive पैकेज जो कि आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपके घर बैठे करा सके तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए और जो बैच 14 September शाम को 6 बजे बिगिन हो रहा है join दैट बैच इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस के द्वारा आपकी पूरे के पूरे जो हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा इसमें एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है ताकि आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन देने से पहले ही अपनी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस और अपनी प्रोग्रेस या अपनी नॉलेज को चेक कर सके इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम इंक्लूडेड है जो कि आपकी मदद करेगा आपके मेन्स में अच्छे आंसर लिखने के लिए बेसिकली इस प्रोग्राम के साथ आपकी पूरी की पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी मदद की जाएगी इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस सिंपल है ये चौदह सितंबर से शाम को छह बजे आपकी जो क्लासेस हैं बिगिन होंगी एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ यहां पर जाना है बाय नाउ पे एडमिशन लेने के लिए, के लिए क्लिक करना है एंड वैसे इसका जो कोर्स की जो प्राइस है वो चौबीस हजार चार सौ तो निन्यानवे परंतु अगर आप यहां पर प्रोमो कोड एंटर करेंगे जैसे हम स्विगी ओला जोमेटो में यूज करते हैं ए एम आई टी एल जो चौबीस हजार चार सौ तो निन्यानवे रुपए का कोर्स है अप्लाई करने पे अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का कोर्स हो जाएगा एंड यू विल गेट ऑल द लाइव क्लासेज मेंटरशिप आंसर राइटिंग प्रिलिम्स एन एस आई पी सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स अगर आप दूसरा तीसरा पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं और उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू अगर आपके कोई जानने वाले दोस्त बहन सिस्टर कजन आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं यू शुड एक्चुअली गिव इट बट हां जब भी दीजिएगा कोड डेफिनेटली अमित यूज कीजिएगा यू जस्ट गो एंड बाय नाउ एंड यू विल बी एडमिटेड टू टू स्टडी आई कोर्स आई थिंक दैट इज वट आई वॉज अबाउट टू टेल यू बिफोर वी नाउ डिस्कस अबाउट दी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक मूवी भी आई थी द मूवी मूवी मोहनजोदारो जिसका नाम था लाइक इट नॉट एग्जैक्टली वेरी वेल बट उस मूवी के बाद एटलीस्ट जिन लोगों को भी नहीं पता था उन लोगों को प्रॉबेबली एटलीस्ट पेज थ्री इंफॉर्मेशन से यह पता चल गया कि भारत का जो ये वेस्टर्न इलाका है और पूरा का पूरा प्रेजेंट डे पाकिस्तान गुजरात का जो सारा का सारा इलाका है आज से तीन चार हजार साल पहले यहां पे एक महान सिविलाइजेशन रहा करती थी सर्टन रीजन किसी समय बीच में समय की वजह से किसी कारणों की वजह से कंप्लीटली खत्म हो गई एक्सटिंट हो गई इट वॉज फाउंडली आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको फाउंड किया एंड दे ने इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सिविलाइजेशन है जो कि इंडस नदी के चारों तरफ दैट इज द इंडस नदी उसके चारों तरफ आज से तीन चार पांच हजार साल पहले पूरे के पूरे पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया के जो एरिया हैं वहां पर लोकेटेड थी इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्योंकि इंडस इज आल्सो कॉल्ड एज द सिंधु इन द हिंदी और एक दूसरी रिवर जिसकी आर्कियोलॉजिस्ट गेस करते हैं कि शायद एक या एक जो रिवर है जो कि गायब हो चुकी है जिसका नाम सरस्वती रिवर था वो भी यहीं पर कहीं पर बहा करती थी सिंधु सरस्वती रिवर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है या हड़प्पा मोहनजोदारो या मोहनजोदारो सिविलाइजेशन क्योंकि जब इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था तो सबसे पहले ये दो बड़े टाउन हड़प्पा और ये दोनों सबसे पहले एक्सकवेट हुए थे तो उन्हीं के नाम पे कई बार इस सिविलाइजेशन को भी रेफर किया जाता है ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ एशिया मतलब कि दिस इज ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ एशिया में थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड बी सी से तेरह सो बी सी यानी बिफोर कॉमन एरा के अंदर एग्जिस्ट करती थी ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया उस समय पूरे के पूरे विश्व में अगर हम देखें तो यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बाद और उसके वहां पर इजिप्ट ये तीन बड़ी महानतम सिविलाइजेशन थी जिसमें से ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड थी और अंदाजे के तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसमें अप्रोक्सीमेटली पचास लाख लोग की टोटल पॉपुलेशन थी फोर थाउजेंड बिफोर इस साइट स्पैंड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान आज का जो पूरा का पूरा प्रेजेंट डे पाकिस्तान है एंड वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गुजरात का पार्ट कुछ राजस्थान का पार्ट हरियाणा के कुछ वेस्टर्न पार्ट जो है वो भी इस सिविलाइजेशन के एक, टेरिटोरियल एक्सपेंस में आते हैं अब सिविलाइजेशन जो थी ये समय को मतलब समय के बीच में कहीं पर खो चुकी थी लेकिन 1921-22 में सर जॉन हबर्ट मार्शल जिकल सर्वे इंडिया के सर जॉन हबर्ट मार्शल के द्वारा इसकी दोबारा से डिस्कवरी हुई थी जब वहां पर जे फ्लीट नाम के एक दूसरे ने कुछ सील्स की डिस्कवरी की थी हड़प्पा की साइट पर एंड जॉन हबर्ट बेसिकली स्टार्टेड एक्सकवेटिंग ऑल दीज प्लेसिज एंड एक बहुत महान बहुत बड़ी सिविलाइजेशन ए वेल अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी आज से चार साल पहले हड़प्पा के जो रूइंस थे दो बड़े शहर हैं यहां पे हड़प्पा और मोहनजोदारो जो हड़प्पा के जो रूइ थे वो मार्शल राय बहादुर किए थे एक्सकवेट किया था आर डी बैनर्जी ने अब सवाल ये है कि ये सिविलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली चार हजार बी सी से यानी आज से छ हजार साल पहले से तेरह सो बी सी यानी कि आज से 3300 साल तक राइट right? छह हजार साल पहले से 3300 साल तक एग्जिस्ट करती थी बट देन समवेयर अराउंड दिसन हंड्रेड बीसी ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गई और खत्म हो गई इसके बाद कम से कम हजार साल और लगे थे इस पूरे के पूरे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में नए शहरों नए न्यू टाउन का डेवलपमेंट होने में सो देर इज अ गैप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ थाउजेंड इस

उसके रीजन क्यों ऐसा होता था कब ऐसा हुआ उसके कोई भी रीजन नहीं पता क्योंकि आर्कियोलॉजी है तो कि 200 साल के अंदर अंदर ऐसी सिविलाइजेशन जो कि 400 4000 सालों से चल रही है समथिंग ऐसे शहर जहां पे 4000 सालों से लोग रह रहे हैं जो अर्बन प्लानिंग करते हैं बिग जो आज के जो मॉडर्न टाइप के जो शहर है वैसे टाउन बड़े बड़े टाउन है वो अचानक से दो साल के अंदर अंदर पूरी पूरी सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो सकती है गायब कैसे हो सकती है अब इतिहास के लिए ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है क्योंकि बाकी जितनी भी सिविलाइजेशन है वन वे और दी अदर उनके डिक्लाइन का या फॉल का कोई ना कोई रीजन कहीं ना कहीं पर पता चल जाता है उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आई कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदारो है उनकी जो सील्स है या जो उनकी जो उनकी लैंग्वेज हमें पता चली है वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है सो so, uh, ये जो मोहनजोदारो है ये बेसिकली उस सिटी का नाम उनके अकॉर्डिंग नहीं था उस समय के लोगों के ये तो हमने दिया हुआ है वी एक्चुअली डोंट नो कि उस सिटी को उस समय के लोग क्या कहते थे क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है नेवर द लेस अप्रोक्सिमेटली पैतीस सौ साल पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीटली डिक्लाइन हो गई गायब हो गई पूरे के पूरे विश्व के नक्शे से मिट गई किस वजह से दैट वी डोंट नो देर आर ऑब्वियसली सेवरल रीजन

कुछ लोग कहते हैं कि शायद मानसून बदल गए थे उसकी वजह से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी या ओवर पॉपुलेशन की वजह से सिटीज डिक्लाइन हो गई ट्रेड खत्म हो गया था या प्रॉबली ये सारे के सारे जो भी थ्योरीज हैं वो मिलाकर कोई रीजन हो रहा होगा इनमें से कोई दो या तीन रीजा कर मिला ट्रेड की वजह से कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि देर मस्ट है शायद पश्चिम की तरफ से कुछ और इन्वेडर्स आए और उन्होंने बेसिकली इन सारे शहरों को तबाह कर दिया अगेन दैट इज हाईली अनलाइकली ऐसा होना अनलाइकली है तो ये बात भी बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं है रिवर्स Uh, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया जिसकी वजह से जो शहर थे वो फ्लड हो गए एंड देन दे हैड नो टेक्नोलॉजी टू बीट दैट और उसके बाद वो खत्म हो गए एंड अ लॉट ऑफ जो एक बड़ी सटीक सी जो थ्योरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुई वो ये भी है कि जोग्राफी और क्लाइमेट ऑफ द एरिया जैसे जैसे बदला दो तीन हजार साल में कई बार मेजर चेंजेस आ जाते हैं एंड एट दैट टाइम दो पीपल वर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट नाइनटीन में दो लोग हैं रॉबर्ट एल राइक्स और आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज एफ डेल्स इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी कि अप्रोक्सीमेटली अठारह सो यानी आज से अड़तीस साल पहले के करीब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है यानी कि प्राइमरली स्पीकिंग जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का जो एरिया है यहां पे कई सारी सी कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आई थी बहुत सारी सी वो कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स थी इंडस में इंडस नदी के चारों तरफ ये सिविलाइजेशन है वहीं पर बेसिकली कई सारी सी लॉन्ग टर्म ओवर अ पीरियड ऑफ अड दोडर्स बहुत मेजर फ्लड्स आई थी दैट प्रबेबली रीजन अकॉर्डिंग टू राइस एंड दफे जिसकी वजह से इंडस्ट्रिय सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गई या फिर बेसिकली डिक्लाइन हो गई इसके एविडेंस भी उन्होंने शो करने की कोशिश की है आई थिंक हम पिक्चर से तो नहीं मेकआउट uh, कर पा रहे हैं बट दे ट्राई टू शो कि अगर हम मोहनजोदारो के जो बेसिकली अवशेष हैं यहां की उनके बिल्डिंग्स के जो रूइंस हैं अगर हम उनको देखें तो कई जगह पर वहां पर जो भी मिट्टी का काम है जो भी ईंटे काम है वो स्लंप कर गई है जो कि शो करता है कि ये इमर्जन इन वाटर था इज पॉसिबिलिटी कि बाड़े बाड़े आई थी फिर वो कई सालों तक रुकी रही कैटोस्टॉफिक फ्लड थी उसकी वजह से धीरे धीरे ऑल दिस डिक्लाइन नाउ दिस थ्री दिस थियोरी नॉट बीन प्रूव्ड मतलब कि कुछ लोग बहुत सारे लोग मानते हैं बट देन देर आर अदर पीपल हु बिलीव डिफरेंट थ्योरीज फॉर द डिक्लाइन बट नाउ इमेजिन दिस And look at this. इस मैप को जरा ध्यान से देखिए और ज्योग्रफिकल मतलब को अप्रोक्सीमेटली देखिए गुजरात का जो एरिया है दैट इज इंक्लूडेड इन दैट और पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है that is इज the civilization was located. और इंडिया का जो थोड़ा सा वेस्टर्न हिस्सा है हरियाणा का राजस्थान का वो वहां पर है ये है आज से चार हजार साल पुराना नक्शा एंड दिस इज टूडेज पाकिस्तान पाकिस्तान इस समय एक वो एक्चुअली में अपने पूरे के पूरे इतिहास की सबसे वर्स्ट फ्लड से गुजर रहा है पिछले दो महीने में वन बाई थर्ड एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज अंडर वाटर बहुत ही मेजर फ्लडिंग हो रखी है इस समय पाकिस्तान में एंड दिस इज द मैप जो कि वो फ्लडिंग को आ, शो करता है एंड दीज आर द एरियाज जो कि इतने बुरी तरीके से बहुत ही बुरे तरीके से फ्लडेड है अगर हम इन दोनों मैप्स को एक्स्ट्रापोलेट करके देखें वी वुड एक्चुअली सी कि यही एरिया एग्जैक्टली उन्हीं मेजर हड़प्पा और मोहनजोदारो की लोकेशन का है मतलब कि राइक्स की थ्योरी में कोई ना कोई प्रोबेबल कॉज हो सकता है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि फ्लडिंग और क्लाइमेट चेंज टू तो बी मोर प्रोसाइज कुड हैव बीन द चेंज कुड हैव बीन द रीजन जिसकी वजह से सारा का सारा जो इंडस वैली है वो हो गया था। लेट्स सी, देखिए, जून 14 को बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2022 में पाकिस्तान में इतनी मेजर फ्लडिंग आई है कि कम से कम 1400 लोगों से अधिक की मृत्यु हो चुकी है अब ये फ्लड्स इसलिए आई थी क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा हेवियर देन यूजल मानसून मतलब दो फालतू इतना ज्यादा तेजी से वहां पर बारिश हुई है एंड ऑब्वियसली वेव्स की वजह से वहां पे ग्लेशियर्स भी बेसिकली कई सारे मेल्ट मेल्ट हुए हैं और जो पाकिस्तान का जो टॉप का एरिया है वहां पर हिमालया है विच इज एक्चुअली होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द आर्टिक एरिया राइट तो वह स्पेसिफिकली वहां की मेल्टिंग हीटवेव की वजह से हीटवेवस की वजह से यहां पर बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया uh, बना ही हुआ था मई जून की हीटवेवस की वजह से तो जिसकी वजह से जो बारिश थी और ज्यादा हैवी हो गई ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच इज लिंक टू द क्लाइमेट चेंज इट इज वर्ल्ड नॉट इवन पाकिस्तान डेडलीएस्ट फ्लड अगर आप देखें ये पूरा का पूरा एरिया थोड़ा सा अगर नक्शा समझने की कोशिश करें इस समय ये सारा का सारा एरिया बाढ़ से भरा हुआ है शहरों के जो शहर है पाकिस्तान के गांवों के गांव जो है वो इस समय पानी के नीचे है दो डिस्क्राइब एज दर्स्ट इन दी कंट्री मतलब की पूरे पाकिस्तान के इतिहास में इससे बुरी इससे बुरी फ्लड्स कभी भी नहीं आई है अनलेस वी कंसीडर कि पाकिस्तान के 4000 साल पुराने इतिहास के बारे में क्योंकि दैट इज नाउ सीम्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि मोहनजोदारो और जो हड़प्पा है वो भी प्रॉबेबली अगेन स्टिल इट इज अ प्रॉबेबल थ्योरी वो भी बेसिकली फ्लडिंग की वजह से ही डिस्ट्रॉय होंगे इस समय पूरे के पूरे देश का एक तिहाई हिस्सा पानी के अंदर है और तैतीस मिलियन मतलब कि साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक लोग वन वे और दी अदर वे इन फ्लड्स के द्वारा अफेक्टेड हैं। दिस इज अच यू कैन प्रोबेबली मेक आउट ये एक साल अगस्त सत्ताइस दो हजार इक्कीस को सैटेलाइट मैप दिया गया है ओके दिस इज द रिवर आप इससे अगर कुछ नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं द ब्लू इज बेसिकली दॉटर और ये अगस्त सत्ताइस दो हजार बाईस का मैप है सेम प्लेस का जिसके अंदर फ्लडिंग सारा का सारा जो एरिया है ये फ्लडिंग शो कर रहा है द मोर यू द मोर ब्लू यू सी मोर एक्चुअली में अगर ये भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है सो दिस इज

इट बेस्ट प्रिजर्व अर्बन सेटलमेंट ठीक है बेस्ट प्रिजर्व अर्बन सेटलमेंट इन दी साउथ एशिया बट 16 से अगस्त छब्बीस अगस्त के बीच में जो मोहंजो दारो है वहां पर भी बहुत ही ज्यादा सी दिस इज सिंध प्रोविंस है पूरा का पूरा पाकिस्तान का एंड यहां पर मोहनजोदारो लोकेटेड है मोहंजो दारो को एट हंड्रेड मिमी मीटर ऑफ रेनफॉल हुई जिसकी वजह से प्रेजेंट जो अभी हमारे पास जो मोहनजोदारो के रूव हैं उनको भी बेसिकली कंसिडरेबल डैमेज होना स्टार्ट हो गया है आर जो एक्सपर्ट्स uh, हैं उन्होंने बताया है कि कई सारी वॉल्स गिर रही हैं छोटी मोटी स्तूपा डोम के ऊपर काफी बेसिकली डैमेज होने की संभावना है इट इज प्रोबेबली कुछ ना कुछ शायद उसमें अभी अगर जो स्ट्रक्चर्स uh, हैं वो बाढ़ के नीचे आएंगे वो डूबे भी हुए होंगे मोहनजोदारो इज ऑब्वियसली रिकॉगनाइज एजनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नाइनटीन अब इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एकदम कहना सही होगा दिस इज बेसिकली हिस्ट्री रिपीटिंग इट भाई रिसेंट फ्लड सिचुएशन जो है पाकिस्तान में जो कि बहुत ही ज्यादा रेनफॉल की, की वजह से हुई थी मोहनजो दारो एक बार 4000 साल 3500 साल के बाद दोबारा से बेसिकली डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी में है मतलब कि इस बार अगर ये डिस्ट्रॉय होगी तो सिविलाइजेशन तो नहीं गायब हो रही है बट येस वी विल प्रोबेबली लूज अ वेरी वेरी प्रीशियस पीस ऑफ द हिस्ट्री बट ये आज का पॉइंट मोहनजोदारो एज ए स्पेसिफिक इंसिडेंट से एसोसिएटेड नहीं है रादर इस बात से एसोसिएटेड है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा देश है जो कि क्लाइमेट चेंजेस परसेंट से जो लोग फिफ्टी परसेंट से जो भी अधिक लोग हैं वो इंटेंस पॉवर्टी के अंदर जीते हैं उसके बाद दे डोंट हैव द रिसोर्सिस पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर देखें तो ये 180 सौ कंट्रीज में एक नंबर के ऊपर आता है सो दीज ऑल दीज कंडीशन्स और उसके बाद यहाँ पे इसके पूरे के पूरे पाकिस्तान के नॉर्थ में ग्लेशियर्स का होना इनकी रिवर्स का जो फ्लडिंग होना एंड ऑल्सो ए वेरी वेरी एंशेंट हिस्ट्री जिसमें ये देखा जाए कि इन्होंने मतलब कि देर वॉज देर इज देर आर ऑब्वियसली साइंस नाउ विच का पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट कि शायद तीन चार हजार साल पहले भी इसी प्रकार की किसी मेजर क्लाइमेट चेंज मेजर कैटस्ट्रॉफिक फ्लड्स की वजह से एक पुरानी सिविलाइजेशन कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई थी पाकिस्तान इज ऑल्सो वलनरेबल टू सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड पे अफेक्ट पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है साउथ मतलब पूरे एशिया पे अफेक्ट पड़ेगा इंडिया इज आल्सो वन ऑफ दोज वलरेरेबल कंट्रीज बांग्लादेश इज आल्सो वन ऑफ दोज दो वलनरेबल जिसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बहुत मेजर इंपैक्ट होगा पाकिस्तान हैज चेंज ओवर पास सेवरल डिकेट्स सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होने लग रहे हैं जिसका इंपैक्ट दोनों के दोनों के ऊपर भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर होगा एंड उनकी रिवर्स के ऊपर भी व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ बाय दिस मैप इज दिस कि ये जो थ्योरी है अगर हम इन दोनों मैपों को बिल्कुल एक्स्ट्रापोलेट करके एक दूसरे के ऊपर इंपोज करके देखें सो देयर नाउ सीम्स टू बी ए वेरी वेरी वैलिड ट्रूथ कि जो सिविलाइजेशन थी वो सम ऑफ अ क्लाइमेट चेंज फ्लड्स की वजह से ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती इट विल गेट वर्स क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान नीड टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर समथिंग वर्स दे डोंट द रिसोर्सिस नीदर दिलिटीज टू एक्चुअली टैकल दीज थिंग्स इफ यू नीड टू डू यूपीएससी प्रिपरेशन

related to the joining of the life foundation batch please do dm me on my instagram until then have a very nice day